आपने इस कुरकुरी भिंडी फ्राई की आवाज़ सुनी, कितनी क्रंची है ना, और ये बहुत टेस्टी भी है। इस कुरकुरी भिंडी फ्राई को बनाना काफ़ी इजी है, तो चलें इसकी रेसिपी देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशात और आप देख रहे हैं मेरा चैनल निशात सिंपल कुकिंग। आज मैं आपके साथ कुरकुरी भिंडी फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही हूं और मैं इसमें ना किसी कॉर्नफ्लावर और ना बेसन का इस्तेमाल करूंगी, फिर भी बड़ी कुरकुरी और टेस्टी बनके तैयार होगी। तो यहां मैंने आधा किलो भिंडी लिया है और पहले इसे मैं अच्छी तरह से धो के सुखा लूँगी। भिंडी को मैंने अच्छी तरह से 2-3 बार धो लिया है और अब इसे कपड़े से पोंछ के मैं इसे सुखाऊँगी। इसे अच्छी तरह से पोंछ लेना है कि इसमें पानी ना रहे, नहीं तो भिंडी कुरकुरी नहीं बनेगी। सारी भिंडी को पोंछ के मैंने सुखा लिया है। अब इस भिंडी को मैं कट करूंगी। भिंडी को इस तरह से ऊपर से इसकी ऊपर वाला पोर्शन इसका काट देंगे और फिर इसे छोटे टुकड़ों में इस तरह से, फिर देख सकते हैं इस तरह से मैं इसे कट करूंगी। बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो और बहुत बारीक भी ना हो, ये इस तरह से। नीचे वाला पोर्शन भी हटा देंगे। इसी तरह से सारी भिंडी को कट करेंगे। सारी भिंडी को मैंने कट कर लिया है, अब इसे फ्राई करते हैं। एक कढ़ाही गरम करेंगे, उसमें तेल डालेंगे। यहाँ मैं सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइन या सरसों, कोई सा भी। तेल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे क्योंकि डीप फ्राई करना है, तो इसलिए तेल थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो मैंने यहाँ तेल ले लिया है और इसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे। तेल बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अब भिंडी को फ्राई करते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और उसमें भिंडी को डालेंगे। एक साथ सब नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके इसे फ्राई करेंगे, पलटते भी रहेंगे साथ साथ। अब ये देख सकते हैं कि भिंडी गोल्डन हो गई है, अब इसे फटाफट निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम अभी निकालते वक्त मैंने लो कर दिया है। इस भिंडी को मैंने किचन नैपकिन पे निकाला है ताकि एक्स्ट्रा तेल इसमें निकल जाए। इसी तरह से सारी भिंडी फ्राई कर लेंगे। सारी भिंडी को मैंने फ्राई कर लिया है, इसे मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब इसमें थोड़ी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसमें नमक डालेंगे और इसे इस तरह से सॉस कर लेंगे। आप इसकी आवाज़ सुन रहे होंगे, कितना कैसी आवाज़ आ रही है इसमें से। ये देखिए किस इसमें से कितनी कुरकुरी आवाज़ आ रही है। बहुत ही मज़े की ये कुरकुरी भिंडी तैयार है। मुझे तो ये दाल चावल के साथ बहुत पसंद है, रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। आप ये बताएं कि आपको ये किसके साथ पसंद है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कॉमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।